चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाद बेल बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आए आपके पास और आप वीडियो वॉच करें। एवरीवन, आज जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें मैंने सिर्फ 7 प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं और ये जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं ये 500 रुपये के अंदर हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद में बेल बटन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप हैं वहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये आईब्रो पेंसिल लिया है और ये रिमेल का आईब्रो पेंसिल है, तो मैं आईब्रो बना रही हूँ इससे। और ये आपको नायका पर मिल जाएगा बहुत आराम से, और ये करीबन 100-120 रुपए में आपको मिल जाएगी। और इस तरह से मैं स्पूली से इसको कर लूँगी। और अब मैंने फाउंडेशन लिया है मेबिलीन का, और ये ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन बहुत अच्छा है, तो इसको मैं आई बेस की तरह भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 7 प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने इसमें कंसीलर इंक्लूडिंग करा है। और इसको मैं आईब्रो पर भी इस तरह से करूँगी जिससे कि ये काफ़ी क्लीन सा लगे। और अब मैंने ये आई शेडो पैलेट लिया है और ये मेकअप रेवोल्यूशन का 1 मिलियन पैलेट है। ऑल्दो ये फ्री मिलता है अगर आप 1000 का शॉपिंग करें तो उसके साथ में, अदरवाइज़ मैं आपको कुछ और बता दूंगी, नीचे मैं लिंक में लगा दूंगी कुछ ऐसे आई शेडो पैलेट जो कि आप ले सकते हैं। तो ये मैंने लाइट पिंक वाला शेड लिया था पहले, और उसके बाद ये मैंने डार्क वाला शेड लिया, ये वाला शेड। तो इसको मैं थोड़ा सा और लगा रही हूँ, और थोड़ा सा इस तरह से मैं इसको लगा कर थोड़ा सा डीप करूँगी। और अब मैं इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। और दोबारा से मैंने फाउंडेशन लिया है मेबिलिन का, और उससे मैं इस तरह से इसको कट क्रीज एक मैं बना रही हूँ सिंपल सा। और दोबारा से वही सेम शेड लेकर मैंने इसको इस तरह से लगाया था। और यहाँ अब इस पैलेट में से मैंने सबसे पहले ये गोल्डन वाला शेड लिया है, और ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने लगाया है। उसके बाद मैंने लिड के सेंटर में ये दूसरा वाला शेड लगाया था, और हल्का सा उंगली से लगा रही हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा शिमरी सा है वो शेड। और अब बाद में ये बिल्कुल आउटर थर्ड में मैंने ये पिंक वाला शेड लिया है, और अब ये लैक्मे का ही मैंने लाइनर लिया है, और इससे मैं एक विंग्ड लाइनर बना रही हूँ। और मस्कारा भी ये लैक्मे का है, तो मैं सिर्फ मस्कारा ही लगा रही हूँ, और मैंने कुछ लैशेस वगैरह नहीं लगाया है इस लुक में। और सेम वो गोल्डन वाला शेड लेकर मैंने आईब्रो के नीचे लगाया है ब्राउ बोन पर। और अब फाउंडेशन मैंने वही फिट मी वाला ही लिया है, और पूरे फेस पर और थोड़ा सा नेक पर भी मैंने इसको लगाया है। और ब्रश की हेल्प से मैंने इसको पूरे फेस पर ब्लेंड कर दिया है। और अब ये मैंने लिया है कॉन्टूरिंग पैलेट, और इसमें मैंने लाइट वाला शेड लिया है हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसीलर नहीं लिया है तो मैं इसलिए इसको लगा रही हूँ कि थोड़ा ब्राइटन अप हो जाएगा। और इसी को ही मैं टी जोन पर भी लगाऊंगी, और क्योंकि यहाँ पर मैंने कंसीलर नहीं लिया है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ये एक 7 प्रोडक्ट्स चैलेंज आप समझ लीजिए है। अदरवाइज़ अगर आपके डार्क सर्कल हैं या कुछ ब्लेमिशेज स्पॉट्स वगैरह हैं तो उनको हाइड करने के लिए आपको कंसीलर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, और उसी ब्रश से मैं बस इसको हल्का हल्का सा फेस पर कर रही हूँ। और दूसरा शेड लेकर जो कॉन्टूर करने के लिए था उससे मैं हल्का सा नोज़ पर लगा रही हूँ, और उसी को ही मैं उससे चीक्स पर भी उससे कॉन्टूर करूँगी।
और अभी दोबारा से पहले मैंने लाइट पिंक वाला शेड लिया है और इसके ऊपर मैंने हल्का सा बरगंडी वाला शेड लगाया है। और इसके बाद मैंने सेम गोल्डन शेड लिया है और यहाँ पर सेम मस्कारा मैंने लिया है। और अभी लिपस्टिक लिया है मैंने लैक्मे का, और उंगली से इस तरह से मैंने, जैसे आपने देखा पहले मैंने हाथ पर लगाया है, डायरेक्टली मैंने चीक्स पर नहीं लगाया, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता था, डायरेक्टली अगर आप लगाएं तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह पहले मैंने इसको हाथ पर लिया है और उसके बाद मैं इसको चीक्स पर लगा रही हूँ। और अब ये हाईलाइट कर रही हूँ मैं, सेम जो गोल्डन वाला आई शेडो था उसको लेकर मैं कर रही हूँ। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही लाइट सा लगाना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल चौकी सा लगने लग जाएगा, क्योंकि आई शेडो है बहुत थिक होते हैं आई शेडो, उस तरह से हाइलाइटर्स की तरह ये बिल्कुल शेयर नहीं होते। तो इस तरह से मैं चीक्स पर भी इसको लगाकर और बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी ज़्यादा ज़्यादा ना हो जाए। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैं इसको लगा रही हूँ, हल्का सा उंगली से मैं लगाकर और इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और लिप्स पर मैंने हल्का सा फाउंडेशन लगाया है। और अब ये लिपस्टिक लिया है मैंने सेम लैक्मे वाला, और बस ये लिपस्टिक अब मैं लगा रही हूँ। और ये हमारे यहाँ पर 7 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल बटन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।